जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो 15,000 में अगर आपको एक बेस्ट फोन लेना है, 4G फोन जिनका बजट 13,000 से 15,000 के बीच में है, और एक काफी बेटर ओवरऑल फोन लेना है आराम से, जिनके कैमरा भी अच्छे हो, प्रोसेसर भी अच्छे हो, गेमिंग भी आप आराम से अच्छी कर सको, तो उनके लिए ये वाली वीडियो काफी बेटर होने वाली है, काफी ज्यादा हेल्पफुल वीडियो है। यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले हैं पोको M4 Pro 4G वर्सेस सैमसंग लवर्स के लिए सैमसंग गैलेक्सी F22 4G। दोनों ही कमाल के फोन देखने को मिलते हैं, एक सैमसंग लवर्स के लिए और एक पोको लवर्स के लिए, Xiaomi लवर्स के लिए देखने को मिलता है। तो पूरा इस फोन कंपैरिजन करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दोनों ही फोन्स के प्राइस और रेंज की बात करो तो दोनों ही फोन्स के प्राइस रेंज आपको डिस्प्ले ऊपर शो हो रहे होंगे। अगर आप देखते हो तो सैमसंग वाला फोन आपको सस्ता देखने को मिलता है, 13,000 रुपए में बेस्ट वेरिएंट देखने को मिलता है, और वहीं पोको वाले फोन में 15,000 रुपए में बेस्ट वेरिएंट देखने को मिलता है। लेकिन अगर पोको वाला भी अगर आप सेल के ऊपर लेते हो तो 14,000-13,500 के करीब मिल जाता है, लेकिन रियल प्राइस जो है वो आपको 15,000 से स्टार्टिंग देखने को मिलती है। तो उस हिसाब से कंपेरिजन करेंगे फोन आपके लिए बेटर रहेगा, लास्ट ओपिनियन में पूरा बताने वाला हूँ। दोनों ही फोन के अगर आप डिस्प्ले की ओर देखते हो तो दोनों ही फोन में सेम साइज है आपको, 6.43 इंच। यहाँ पे दोनों ही फोन में 90Hz की रिफ्रेश रेट और सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने मिलती है। जो डिफरेंस है वो यहाँ पे फुल HD प्लस की डिस्प्ले आपको पोको में और HD प्लस की डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिलती है सैमसंग वाले फोन में। अब भाई फुल HD प्लस और HD प्लस में आपको खुद को ही फर्क देखने को पता चल जाएगा। आप अगर दोनों ही फोन पास में रख के आप कंपेरिजन करते हो तो आपको डिस्प्ले में बहुत ही ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो अगर सैमसंग HD प्लस की जगह फुल HD प्लस देता तो बेटर रहता, और यहाँ पे वाटर ड्रॉप नॉच भी देखने को मिलती है सैमसंग वाले फोन में, वो भी एक माइनर पॉइंट बनता है। तो डिस्प्ले के मामले में पोको M4 Pro बेटर है। दोनों ही फोन्स के अगर आप कैमरा की ओर देखते हो तो दोनों ही फोन्स में आपको ओके से कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन पोको वाला थोड़ा सा बेटर निकल जाता है। कैसे देखो, यहाँ पे पोको में 64+8+2 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, और सैमसंग में आपको 48+8+2 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। अब तो यहाँ पे प्राइमरी कैमरा भी 64 मेगापिक्सल पोको में देखने को मिलता है, सेल्फी कैमरा भी आपको सैमसंग में 13 और यहाँ पे 16 मेगापिक्सल देखने को मिलता है पोको वाले फोन में। आपको डिटेल में जानना है तो आप एक रिव्यू देख सकते हो, कैमरा कंपेयर से आपको बेटर एक्सपीरियंस होगा। आई थिंक आपको पोको वाले कैमरा थोड़े बेटर देंगे, प्री वीडियो में देख लो, भले ही प्राइमरी कैमरा, वाइड एंगल या फिर सेल्फी कैमरा, आपको यहाँ पे रिजल्ट पोको वाले में थोड़ा सा बेटर देखने को मिलेगा। दोनों ही फोन्स के अगर आप बैटरी की ओर देखते हो तो दोनों ही फोन्स आपको काफी ही बड़ी बैटरी देखने मिलती है। एनीवे अगर बात करूं सैमसंग की तो भाई मॉन्स्टर बैटरी देखने मिलती है सैमसंग में। पोको वाले फोन में आपको 5000mAh की बैटरी, 33W का फास्ट चार्जिंग, पोको में 6000mAh की बैटरी, 25W तक फोन सपोर्ट करता है, लेकिन आपको 15W का इनबॉक्स चार्जर देखने को मिलता है। तो अगर बात करूं तो यहाँ पे आई थिंक कि 6000 लेने से बेटर है कि 5000mAh के साथ में 33W काफी अच्छी फास्ट चार्जिंग देखने मिलती है, वो वाला अगर आप पिक करते हो तो आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। फास्ट चार्जिंग थोड़ी ज्यादा है, बाकी आपके अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। दोनों ही फोन्स की अगर प्रोसेसर की बात करूं तो दोनों ही फोन्स में मीडियाटेक के प्रोसेसर देखने मिलते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा बड़ा डिफरेंस देखने मिलता है। मीडियाटेक हेलियो G96 आपको पोको वाले फोन में, और मीडियाटेक हेलियो G80 आपको सैमसंग वाले फोन में देखने मिलता है, जो कि बड़ा डिफरेंस कह सकते हो। प्रोसेसर में आपको यहाँ पे पोको वाला फोन काफी अच्छी प्रोसेसर में कह सकते हो गेमिंग में थोड़ी हेल्प करेगा आपको। G96 पावरफुल प्रोसेसर है, 15,000 के हिसाब से काफी ज्यादा बेटर प्रोसेसर है। दोनों ही फोन्स के ओवरऑल बात करने से पहले आपको एक चीज और बताता हूँ, दोनों ही फोन्स में 3.5 जैक और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, लेकिन पोको जैसे कि साउ में आपको पता ही है IR ब्लास्टर देता है। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको इस वाले फोन में देखने मिलते हैं, जो कि आपको बेटर एक्सपीरियंस देंगे, लाउड स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, और IR ब्लास्टर जिनको नहीं पता है एज ए रिमोट कंट्रोल आप फोन को यूज कर सकते हो, तो ये भी एक प्लस पॉइंट पोको वाले फोन में बनता है। तो भाई जिनको मेरा लास्ट ओपिनियन ये रहेगा, जो सैमसंग लवर है, जिनको एक 13,000-12,000 के करीब एक बेस्ट 4G फोन लेना है सैमसंग का ही, तो वो जो सैमसंग लवर है वो F22 की ओर जा सकते हैं, 13,000 के करीब आपको थोड़ा सस्ता देखने को मिलेगा। लास्ट ओपिनियन इन दोनों फोन्स में से मेरा रहेगा कि भाई आपको M4 Pro 4G लेना चाहिए, कैमरा में बेटर है, बैटरी में बेटर है, और प्रोसेसर भी आपको बेटर देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो काफी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं बोलता हूं आपसे ऐसे ही अमेजिंग अगली वीडियो में।